से और एक बार स्वागत है मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आज के लेसन में हम सीखेंगे दिलवाले मूवी के एक दर्द भरा गीत। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था। ये गीत को हम आज बंसी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे, इसका ऊपर एक ट्यूटोरियल दिया हूँ। और ये ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए मैं मेरा परिचय देता हूँ। प्रणाम, मैं हूँ प्रदीप कुमार फाइक, संबलपुर जिला उड़ीसा के निवासी, बंसी का एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी वादन सिखाने के दुस्साहस करता हूँ। अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत है मेरे और आपके चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहाँ पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोस्तों, अगर म्यूजिक में रुचि रखते हैं, संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, बांसुरी वादन सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं और इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। इस गीत को बंसी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे, इसका ऊपर एक छोटा सा सुंदर सा आसान सा ट्यूटोरियल क्लास है। ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं स्केल लिया हूं, जी के, जी माइनर फ्लूट भी लिया हूं, स्केल जी के। दोस्तों, मेजर कॉर्ड क्या होता है, माइनर कॉर्ड क्या होता है, ये और एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे इस क्लास में, फ्लूट क्लास में एक नया और एक टॉपिक आ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। और ये गीत राग शिवरंजनी के सुर पर आधारित है। राग शिवरंजनी एक ऐसा राग है जिसके ऊपर मैं पहले से ही बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और आप भी शायद देखे होंगे, समझे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे आपके फ्लूट में। फिर भी आज शॉर्टकटली बता दे रहा हूँ राग शिवरंजनी में क्या क्या सुर लगता है। सारे गापा धासा साधा पा गा रे सा, आरोह अवरोह में कोमल गा यहाँ पर यूज होता है। सारे गापा धासा सुर को यूज करके एक छोटा सा धुन है। अगर आप बंसी में कोमल गा बजाना नहीं जानते हैं, इस वीडियो के टॉप कॉर्नर राइट साइड में एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक कीजिए, कोमल गा कैसे बजाते हैं इसको दिखाई देगा। और राग शिवरंजनी क्या है अगर नहीं जानते हैं, आई बटन क्लिक कीजिए टॉप कॉर्नर राइट साइड में, अभी तो राग शिवरंजनी के ट्यूटोरियल वीडियो आपको दिखाई देगा, वो देखिए आप राग शिवरंजनी सीख सकते हैं। क्योंकि ये गीत एक कंपोजिशन है, इसमें राग शिवरंजनी के सुर के अलावा दूसरा भी नोट लगाए जाते हैं, लगाया गया है। दूसरा सुर क्या है, तीब्रमा कोमलनी भी लगा हुआ है इस गीत में। सबसे पहले आता है एक अलाप, वोकल का एक अलाप आता है, आलाप समझाने के लिए इस आलाप को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये रहा तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या है, डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है नोटेशन, ये क्या पहला पार्ट। पार्ट
पहला पार्ट गया। रे गा रे सा नोटेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सीरियसली बंसी बजाना सीखना चाहते हैं, फ्लूट हैबिट करना चाहते हैं, दोस्तों देखिए ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। मैं आपको इस गीत की स्केलेटन नोट बता रहा हूँ। ये गीत, ये सुर आप प्रैक्टिस करने से आप इस राग के ऊपर कोई भी गीत आसानी से बजा पाएंगे। देखते हैं अभी इसका पहला लाइन। नोटेशन वीडियो में डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। अलग अलग है लेकिन इसका नोटेशन सेम हुआ। लाइन दो बार लगता है, इसके बाद होता है
देश भी ना। पापा दा सगारे सरेगा मिटाने से भी ना मिटेगा। पापा दा सगा सा सरेगा मिटाने से भी ना मिटेगा। मेरी दास्तां रेगा पगारे सा मेरी दास्तां। उसके बाद अगेन स्टार्ट हो जाता है। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। फिर मिलते हैं दूसरा सा एक सुंदर सा वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्ते।